से हम जाएंगे मेरी सिस्टर के घर पे उसको पिक करने, फिर हम आगे निकलेंगे। ऑलरेडी हम बहुत लेट हो चुके हैं और टाइम हो रहा है, मनु कितना टाइम हो गया? 6:29 हो रहा है। देखें आप तो सुबह के 6:30 हो रहे हैं, तो गुड मॉर्निंग है आप सभी लोगों को। हम पहुंच गए हैं डिम्पी की सोसाइटी में और अपने सामान के ऊपर हो रही है, ये देखो बैग पैक हो रहे हैं। गुड मॉर्निंग डिम्पी। गुड मॉर्निंग। कहाँ जा रहे हैं हम लोग? हम लोग जा रहे हैं गाँव। तेरी आंखें इतनी सोई सोई हो रही है। मैं भी गाड़ी के अंदर सोऊंगी इसलिए। आज सारे गाड़ी में सोते रहेंगे। पियू 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 देखो कितना उदास है, बेचारी बिल्ली को छोड़ के जा रही है तो इसलिए उदास हो रही है। वापस रिमाइंड करवा दिया। हाँ पियू देखो सही, इधर नहीं देख रही है उसको, रोना आ रहा है। ओह गॉड, मुझे समझ नहीं आ रही पूरी गाड़ी में सोते हुए जाएंगे क्या? अंकु ने भी सोना है, इसने भी सोना है। मैंने तो सोई नहीं है रात से, सोने के लिए आए हैं। पूरी रात नहीं सोए हैं लोग। कैसा फील कर रहे हो डिम्पी आप? बढ़िया एकदम फर्स्ट क्लास। कितनी खुशी हो रही है जाने की? बहुत एक्साइटेड, नींद बहुत आ रही है मेरे को। और हमारी गाड़ी में देखो ये कैसे सोए पड़े हैं, तीन बंदर सो रहे हैं, तीन, एक वो पीछे दिख रही है, एक ये देखो ये दोनों कैसे सोए पड़े हैं। यहाँ ड्राइविंग हो रही है और भूख का टाइम हो गया है, ब्रेकफास्ट टाइम हो गया, सॉरी भूख का टाइम तो बहुत देर से लगी है, ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया है। या तो आपने देखा नहीं होगा, आपने निकाल दिया होगा फिर। अब थोड़ी लिपस्टिक लगानी चाहिए, लिपस्टिक नहीं लगाई है मैंने। जी हम पहुंच गए हैं अपने फर्स्ट डेस्टिनेशन पे जो कि है मोंगा। मोंगा अच्छा, हाँ मोगा, सॉरी मैं नाम भूल गया, मैं हेलो कुछ कहना चाह रहे हो तुम दोनों? ये पीयू क्या कर रही है? क्यों अरे पीयू अभी हम आए थे ना, अभी आपने देखा था ये कब आए थे बताओ? अरे इनके लिए तो कूलर भी लगा हुआ है। सुहानी जी आप कहाँ पे घुसरी पड़ी है, आप क्यों नहीं आ रही खाने के लिए? मेरे को नहीं खाना, मैं सो रही थी अपना, इतनी मुश्किल से मैं ऐसे करके सो रही थी। क्या खा सकते हैं? कुछ खाना? अभी हम रुके हैं मोंगा में। हमको मुंह धो के आ जा, मुंह धो के आ जा। हली वैसे भी हली थोड़ी ना, अरे वो आयुष्मान खुराना मुझे। अच्छा वो क्या था वो? चंडीगढ़ का रहे आज के शकल दिखा रहे भाई ऊपर। अभी ये समाधि इसकी ना इसकी ट्यूशन वाली मैम पता क्या कहती है? कहती है कितना मोटा हो गया ये। तंत्र विषय करके आज ये लेकर आएगा शिरोमणि नागमणि नागमणि। नन्नू आप भी कुछ बोलो। कुपोषण के शिकार है वो, मान ली एक एक्स्ट्रा खा रहा है और एक ये भी नहीं खा रहा है, एक ये भी नहीं खा रहा है, माल न्यूट्रिशन दोनों है, बाकी सबके पास एक्स्ट्रा। ये भाई क्यों नहीं खा रहे? आपने क्या ऑर्डर किया भैया? मैं बोलूंगा नहीं,
जब मैं चुप रहेगा कुछ बना दे मेरा सिक्का। हेलो तुम भी बोलो कुछ। मैं आलू पराठा खा रहा है। एक पराठा आलू पराठा सारे लोग आप ब्लॉगिंग को मिस कर रहे हैं, कह रहे हैं इंडिया जॉब पे निकलते हैं। वही तो आपको ट्रेनिंग करते थे। ये क्या बन गया हमको अभी पागल जैसा? आज ये हमारे साथ जा रहा है बच्चन मारने। बच्चन मारने लोहा बच्ची है बोल रहा है। दुनिया भेज दी लेकिन शेखर ने दुनिया भेज दी। इतना गुस्से का लुक देख रहे हो इसका? अरे छपरी दे रहे हो पीछे। हमने कर लिया है रेस्टोरेंट में ब्रेकफास्ट हो गया और अभी हम निकलेंगे यहाँ से रामनगर के लिए, काशीपुर रामनगर के लिए। और ये बैठे हैं सुहानी बैठी है और प्रियंका बैठी है। और तो बस अभी हम लोग निकलते हैं, ब्रेकफास्ट हो गया, अब सीधा हम रामनगर के लिए प्रस्थान करते हैं। कुछ कहना चाहती हैं आप? मूंगा रेस्टोरेंट अच्छा नहीं है, सेकंड नंबर वाला, दूसरे नंबर वाला, दूसरे नंबर पे जो पहले नंबर वाला था वो तो पापा ने कहा था वहाँ जाना, पर हम वहाँ गए नहीं, हम लोग आ गए दूसरे वाले में। और यहाँ पे बहुत गंदा है, टेस्ट भी अच्छा नहीं है, चाय भी अच्छी नहीं है, कुछ भी अच्छा नहीं है, बस खाना था खा लिया। तो जी हम अब कहाँ जा रहे हैं डिंपल जी? हम बस एक ही जगह जा रहे हैं, वो है गांव, लेकिन हम बार बार वहीं जाते रहे क्योंकि बार बार ये पूछती रही थी हम कहाँ जा रहे हैं जी, हम कहाँ जा रहे हैं। गैया क्या होता है? हमको तो देखना कैसा लग रहा है, पानी खराब हो गई है। हम लोग सब लोग जा रहे हैं गांव और अभी हम लोगों ने आधा रास्ता भी कवर नहीं किया है, थैंक्स टू आवर जीजा जी जो कि सुबह लेट आए। सबसे बड़ी बात इन्होंने टाइम से पैकिंग नहीं करी, इन्होंने टाइम से पैकिंग नहीं करी, सबसे पहले उठ के आ गया था ना। और इसके अलावा कविता मैडम जो कि लिपस्टिक लगाने में देर से रह गई, लगाई भी नहीं, देखो हेलो मैंने लगाई भी नहीं। और ये दोनों बूथ, ये अंकू और पीछे जो बैठी है वो लड़की गायब है, वो सोने में रह गए। और ये सिर्फ ये बच्ची थी जो रात भर जाने के लिए एक्साइटेड थी, ये निकला, ये पीछे से निकला कोई तो सिर्फ ये लड़की थी जो जाने के लिए बहुत एक्साइटेड थी, क्योंकि नानू ने इसको प्रॉमिस किया कि इसको नदी लेके जाएंगे, घुमाने ले जाएंगे। और मैंने इसको बोला कि अब मैं तेरे को बाघ दिखाऊंगी, बाघ मैं तेरे को बाघ दिखाऊंगी, बाघ बाघ देखना है इसको। हाँ इसको बाघ नहीं देखना, मतलब इसको नदी देखनी है, नदी क्या क्या देखना है, पर मैंने बोला है। और इसके अलावा और क्या गाइस, तो बी विद अस कैरी ऑन और अभी और मिलेंगे आपको, फिर मिलते हैं दोबारा।